बेटा हमार सुनना बाबू सुनना बाबू बाबू उठना बेटा बाबू चल मैं जाऊँ मेरे चल कल ही ले गए थे हम लोग इसका इलाज कराने के लिए और आज ऐसा हो गया। मैं ना सुबह 5 बजे उठा था और 5 बजे तक ठीक था, ये पूरा बैठा हुआ था। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ने मुझे बोला था कि जाओ चेक करके आओ ठीक है या नहीं। तो 5 बजे मैं गया था चेक करने, अभी वो पूरा ठीक था। जब मैं 8 बजे घर के बाहर निकला, मतलब मेरे कमरे से बाहर निकला और भाग के गया ना, मतलब उधर गिनी ने बोला कि पांडा चिल्ला रहा है, पांडा ने मतलब कुछ थोड़ा सा बोला, तो फिर मैं भाग के गया। तो अब उतनी देर में सब कुछ हो गया। अभी का सिचुएशन बहुत बुरा है। ये डॉग हाउस पांडा और यूटू दोनों के लिए बन रहा था। अरे लड़की ना जाए, अभी वीडियो बनाने जैसा माहौल तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है। अभी पांडा चला गया, गाड़ी में सब लोग थे, मंगल मंगल का दोस्त और हमारे घर के स्टाफ, तो सब लोग लेके तो चले गए उसको। और हम लोग ना कल ही उसको हॉस्पिटल से दिखा के ले आए, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला, मतलब इनफैक्ट डॉक्टर ने ये बोला कि ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ तो इसके पेट में प्रॉब्लम है। और रात में फिर डॉक्टर साहब ने कॉल किया था और बोला था कि अभी रिपोर्ट आया नहीं है, सुबह तक रिपोर्ट का वेट करो। सोचो अभी भी इसका रिपोर्ट नहीं आया है और पांडा ही नहीं है, अब रिपोर्ट आके भी क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, अभी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था,
तो उस पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि पांडा अब रहेगा नहीं, क्योंकि डॉग्स अगर खाना छोड़ देते हैं और 3-4 दिन तक मतलब खाना छोड़ देते हैं तो वो बचते नहीं हैं। तो हमको बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं था। और यहाँ के डॉक्टर्स पता नहीं कैसे हैं, क्योंकि हम लोग ने डॉक्टर को दिखाया तो था और पांडा बीमार बहुत दिनों से था, लेकिन फिर ना बीमार होके फिर रिकवर हो जा रहा था, फिर बीमार पड़ रहा था, फिर रिकवर हो जा रहा था, ऐसा था। तो हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोल रहा है नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ का ही डॉक्टर है। इनफैक्ट हमने व्लॉग में दिखाया भी था उनका दुकान वगैरह सब कुछ, उन्होंने बोला था नॉर्मल है और इंजेक्शन भी दिया था 3-3 इंजेक्शन। उसके बाद भी पांडा, उसके बाद तो ठीक नहीं हुआ था, उसके बाद और थोड़ा बीमार पड़ गया था। और अभी हम लोग जब हॉस्पिटल गए कल, तो कल के बाद वो थोड़ा ठीक हुआ था। आप लोगों ने देखा भी था कि हॉस्पिटल के बाहर जो ग्राउंड था उस ग्राउंड में पांडा थोड़ा बहुत खेल रहा था। लेकिन अब अचानक से मैं सुबह में उठा तो सुबह में भी नॉर्मल था, इनफैक्ट 4 नहीं 5 बजे के आसपास मैं उठा था, तो 5 बजे पांडा बैठ के और मुझे ही देख रहा था अपने कमरे में। जब मैं गया पांडा को देखने तो पांडा मुझे देख रहा था, तो उस टाइम तक तो सब कुछ ठीक था। फिर मैं वापस अपने कमरे में चला गया। अब फिर 8 बजे जब बाहर आया कमरे से, तब गिनी अचानक से चिल्लाने लग गई। तो वो ना मोमेंट बाप रे बार बार याद आ रहा है भाई, वो बहुत टफ था। अभी ना गिन्नी का रो रो के बहुत ही बुरा हाल है, मम्मी पापा सब लोग बोल रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रही है भाई। वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। वो पांडा के बिना ना थोड़ा भी नहीं रहती थी। वो हम लोग मेघालय भी गए थे तो हमेशा पांडा को देखना, ये वो वीडियो कॉल पर सब कुछ करती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उसका कोई हद नहीं है, उतना प्यार करती थी वो। अभी ये दादी है ना, ये भी बहुत ज़्यादा सैड है, ये भी घूम रही हैं इधर उधर। मुझे ना ये वीडियो डालने में भी डर लगेगा, इनफैक्ट जब मैं इसको एडिट करके डालूंगा तो मुझे उस टाइम भी देखने में बहुत बुरा लगेगा यार। और ये वीडियो मैं अभी बस एडिटिंग के टाइम ही लास्ट देखूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा नहीं पूरे लाइफ में कभी भी, क्योंकि जितनी बार देखने से ना पांडा का बहुत याद आएगा। और ये वीडियो बनाने का ना मेरा बस एक ही मकसद है कि आप लोग जान पाओ और आप लोग देख पाओ, नहीं तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। और मैं घर में भी किसी के सामने नहीं जा रहा कैमरा लेके, पूजा गिन्नी मम्मी के सामने, क्योंकि उन लोगों का कंडीशन बहुत बुरा है और मैं इस टाइम जा नहीं सकता उनके आगे, मुझे जाने में खुद ही बहुत बुरा लग रहा है। पांडा इसी रेत पे बहुत खेला करता था, पांडा यूट्यूब दोनों यहाँ पे खेला करते थे, अभी पता नहीं ये कैसा लगेगा। जिधर भी नज़र घुमाओ ना बस यही लग रहा है कि पांडा इधर खेलता था उधर खेलता था, एकदम ना यकीन नहीं हो रहा है यार। कल पांडा यहीं पे बैठा हुआ था ना जाने के टाइम, जब पूजा उसको खिला रही थी वो इसी में छुप के बैठा हुआ था, और फिर पूजा उसको खिलाने के लिए ढूंढ रही थी तो वो भाग रहा था, और पूजा यहाँ पे आके उसको शहद और अदरक खिला रही थी। कल हम लोग कितना भाग भाग के हॉस्पिटल ढूंढे, टोटल 4 हॉस्पिटल में गए हम लोग, पहला वाला बंद था, दूसरा वाला बंद था, तीसरे वाले में भी कोई प्रॉब्लम था, और एवेंचुअली जो चौथा वाला था उसमें हम लोग गए, और उसमें लगभग 5-6 घंटा लगा था ऑलमोस्ट। तो वहाँ के ट्रीटमेंट के बाद हम लोग घर पे आए, ये सब कुछ एकदम सपने जैसा लग रहा है, पूरा पूरा सपने जैसा। अभी यूटू ना जो है हमारा छोटा वाला डॉग है, वो बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा शांत होकर घूम रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ घर के अंदर और नहाना है, मम्मी ने बोला है कि सबको नहाना, सब लोग नहा लो, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर के अंदर। और ये वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही मकसद था ताकि आप लोग जान पाओ, तो अभी मैं जा रहा हूँ, बाय।